नाजरीन 128 रुपए किलो गोल्डन वाले सेब बहुत बेहतरीन रेट है यार। और मजे की बात, आप यहाँ से पाकिस्तान भी लेके जा सकते हैं। सब्जियाँ है ना, ये पाकिस्तान से आती है। नाजरीन के अभी हम उनको पैसे देने लगे, वो ले भी नहीं रहे, बड़े जबरदस्ती दिए। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में शादी होती है कि शादी होने के बाद चेहरा उड़ा होता है, और सेम वही चीज मुझे अफगानिस्तान में भी देखने को मिली है। आपके यहाँ तो माशाल्लाह चार बेगम का ट्रेंड है ना। ये आलू की सब्जी है, उसके साथ ये चिकन वगैरह सैलेड है। खैर, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आज हम जाने लगे हैं मगाजे में, पुलिस स्टेशन में, तालिबान के पास। ये भाई रिक्शा आज खुद चला के ले जाएंगे। भाई मंसूर भाई, भाई चलाना भी आता है कि नहीं आता है? ये ना पहले जन्नत फिरदौस में पहुंचा देना, शहीद हो जाए रास्ते में। नहीं नहीं यार, चलो इंडियन रिक्शा है भाई, ये इंडिया से इम्पोर्ट किया गया है। यहाँ इस पे हम आज यहाँ से जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज दरअसल ये हुआ कि यहाँ से हम सुबह सुबह गए मगाजे में कि हमें परमिशन लेटर चाहिए वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो वहाँ से वो हमें लेके पुलिस हेडक्वार्टर चले गए अपनी गाड़ी। पुलिस हेडक्वार्टर गए तो उनके जो अमीर साहब थे, उन्होंने कहा कि आप कौन है, किधर से है। तो हमने बताया कि हम यूट्यूबर हैं। तो उनको खैर वो कुछ अच्छी तरह से बात समझ में ना आई। वो बोलते हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का लेटर है, मैंने कहा वो अभी तक मिला ही नहीं, हम वही तो लेने के लिए आ रहे हैं। तो कहते कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा, फिर आपने वीडियो क्यों बनाई। मैंने कहा कुछ ज्यादा बनाई भी नहीं, कोई दो चार है वो आप देख लें, हमने दिखा भी दी। वो बोलते नहीं, जब तक इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है ना वो आपकी गारंटी नहीं देगी, वो नहीं छोड़ेगी, तो हमने छोड़ा। फिर काफी देर वेट किया, शाम हो गई वहीं पे। तो फिर जब शाम हुई, फिर वो मेरा उन्होंने कैमरा वगैरह भी रूटीन वाइज चेक किया, जैसे चीजें वगैरह पहले चेक करते रहते थे। चेक करने के बाद फिर जो है उन्होंने कहा कि अब आप जा सकते हैं, लेकिन सबसे परेशानी वाली बात ये है कि मुझे कुछ लेटर, कुछ इजाजतनामा, कुछ इस तरह कुछ अभी तक भी नहीं दिया है। मतलब फिर दोबारा अगर कोई मुझे रोकता है तो मेरे पास कोई परमिशन लेटर नहीं है वीडियो बनाने का, और मैं फिर दोबारा ट्रबल में जा सकता हूँ। ये फिलहाल सूरत हाल है। अगर देखा जाए चुपके बस वीडियो बनाना, वही वाला सीन चल रहा है, क्योंकि अभी काबुल में जाऊंगा। अभी तक ये ही नहीं कंफर्म हो पा रहा कि मुझे लेटर फॉरेन मिनिस्ट्री ने देना है या इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने देना है, मतलब वो ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है। वेरीफाई तो मैं हो चुका हूँ, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है सिवाय वीजा के। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप जलालाबाद में हैं और यहाँ पे वीडियो बना के आप सोच रहे हैं कि यहीं से कुछ लेटर वगैरह ले लें, तो इसकी उम्मीद ना ही रखिएगा। आप डायरेक्ट काबुल ही जाएं और कोशिश करें कि रस्ते में कोई ना ही व्लॉग बनाए, क्योंकि आप फंस सकते हैं। अभी फिलहाल रात का टाइम है, मतलब अभी सारे जमेले में हमें दिन सारा गुजर गया ना। उनके हाथ से कुछ वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड हुई थी, जब वो चेक करते रहे, वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इधर मौजूद हूँ। ये रेस्टोरेंट है जो चार सदा वाले भाइयों का है। इनका कुछ अफगानी दोस्त हैं जिनकी शादी हो गई थी, लेकिन ये पहुंच नहीं सके, यानी मुबारकबाद टाइप सीन था उनका, तो वो चल के देते हैं। अभी उनके साथ ही जा रहा हूँ। फिर मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि मैं कल काबुल के लिए निकलूँ, क्योंकि अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। काबुल जाके ही कुछ लेटर का कुछ करना होगा, क्योंकि कोई बोलता है लेटर नहीं चाहिए, कोई बोलता है चाहिए, कोई बोलता है फलां देगा, कोई बोलता है फलां नहीं देगा। तो इस तरह की कश्मकश में हूँ। अब तालिबान ने मुझे एक बंदे का नंबर भी दिया है कि वो फलां मिनिस्ट्री से रابطہ करो, उनसे रابطہ किया है। इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है वो बोलती है कि नहीं हमारा तो ये काम नहीं है। फिर एक और बंदे का नंबर दिया, उनसे रابطہ किया, तो वो जवाब ही नहीं दे रहा। मतलब अभी कोई नहीं दे रहे हैं लेटर शेटर, कोई दे नहीं रहा, बात नहीं सुन रहा, लेकिन जब हमारे ऊपर आएगी उल्टा लटका दे, बस यही हल है। लेकिन उम्मीद अच्छे की जा सकती है इंशाल्लाह। ये एक शॉप है नाजरीन, फैसल भाई यहाँ से कुछ लेने लगे हैं तोहफे वगैरह। ये हमारे एक दोस्त है जो कि उनकी अभी अभी शादी हुई है यहाँ। हाँ। के तो मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि आप जब मुबारकबाद देने जाते हैं तो आप क्या लेके जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप ये सेहरा लेके जा सकते हैं, ठीक है। हाँ। वो सामने जो पुल है ना वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। वो पुल पुल नहीं है, सस्ता है, महंगा नहीं है। अच्छा, पुल 50 रुपीस का है। फिर आप पुल ही लेके जा सकते हैं। नहीं, फिर पुल ठीक है। मेवा लेके जाते हैं, फ्रूट वगैरह, ताकि उनके मेहमान खा लें, ठीक है। और हो सकता है वो डब्बा खोल के हमें भी खिला दे, पुल तो हमारे किसी काम के नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही। पैंपर नहीं होते जो बच्चों वाले, वो लेके जाए ताकि उनको याद रहे कि हमें पहले वार्न किया गया था। उसमें टाइम है, टाइम है अभी। चले खैर, ये एक चौक है नाजरीन जलालाबाद की, जहाँ पे हम खड़े हैं। ये रहा जी, इतना बड़ा लेज है इनका, लेकिन अंदर से ज्यादा हवा भरी हुई है। और ये कितने का? 20 रुपए का, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 60 रुपए का। और पाकिस्तान में भी ये 60 का ही होता है, लेकिन ये कोई उससे बहुत बड़ा होता है, हैवी भी होता है। हाँ, इससे बड़ा भी होता है वो वाला। खैर, ये भाई ने ये वाला हार ले लिया। नाजरीन, मुझे ना वो ईरान वाली सीरीज में काफी कमेंट सुनने को मिलते हैं कि भाई आप ईरान में शादी कर लो, शादी कर लो। मेहरबानी की करे, हाथ ऐसा वाले रखे करे, हौले हौले रखे करे, मुझे घर से नहीं निकलना है। बैठे भाई। खैर जी, ये रिक्शा मिल गया हमें और इसमें बैठ के हम लोग जा रहे हैं। रात का टाइम है, ज्यादातर दुकानें, बल्कि सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। स्ट्रीट है नाजरीन जहाँ पे हम लोग आए हैं,
ये सिटी का थोड़ा आउटसाइड वाला एरिया है। और ये फ्रूट वगैरह है जी, चेक करो ज्यादा पैसे कि क्या बोलता है, कितने का ये? 280 का। ये 280 का, और ये तो है भी छोटा छोटा यार, कोई इतना हैवी वाला भी नहीं है। बड़ा 300 रुपए में बड़ा है, 300 यानी 900 का रोजगार को। आपको एक अमेजिंग बात बताता हूँ कि ये जो हमने एप्पल लिए हैं वो तकरीबन 7 kg हैं। और फैसल भाई बता रहे, फैसल भाई कितने के पड़े ये हम पाकिस्तानी, हमें ये 300 अफगानी के पड़े हैं, बनते हैं 900 रुपए, और 1 किलो पड़ा 128 रुपए का। 128 किलो। और सेब दिखाइएगा सर एक नजर, देखिए इतने माशाल्लाह गोल्डन और बड़े बड़े का, क्या बात है भाई। जो अच्छी क्वालिटी का सेब है ना हमारी तरफ, वो यही है। ये 300 में मिलता है ये जो है किनो, हाँ यहाँ पे महंगा है। नाज़रीन 128 रुपए किलो गोल्डन वाले सेब, बहुत बेहतरीन रेट है यार। और मजे की बात, आप यहाँ से पाकिस्तान भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो एक खास क्वांटिटी में, वो वाला बिजनेस टाइप का तो मुझे खैर नहीं पता। दो पैकेट लेके जा सकते हैं, 3 पैकेट लेके जा सकते हैं। सही सही। हम आपको स्ट्रीट फूड दिखाते हैं अफगानिस्तान का, और ये जरा चेक करें भाई, चने आलू छोले। आलू छोले माशाल्लाह, छोले लेकिन ठंडे होते हैं। आप तो उर्दू भी जानते हैं? पाकिस्तान में गए हैं कभी? काफी दफा गए होंगे। लाहौर में थे। लाहौर में थे। अच्छा, ये चने रहे और इनके पास ये आलू रहे। और ये सरका इस्तेमाल होता है इसे। क्या चीज है? सरका है इधर का। सरका है। आप ऐसे एक बना के हमें देना। ये ठंडा होता है। अच्छा, गर्मियों में फिर बर्फ का। ये कितने का अफगानी का एक मिलेगा? ये 10 रुपए का भी है, 20 का भी है। टेस्ट करना इसमें वो मसाला तेल वाला है। नहीं, आपका कोई सीन नहीं है? मुझे स्ट्रीट फूड वाली ये चीजें पसंद नहीं है। आपका स्टैंडर्ड ही अलग है, फिर आपको ये कैसे चीजें पसंद होगी भाई? एक एक चीज आपको और बताऊंगा, इनकी जो सब्जी की दुकान होती है ना, उसमें एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट बनाते हैं। क्या चीज? ये जो सलाद है ना, ये सैलेड, ये बड़ा अच्छा डिजाइन रखते हैं। अच्छा, आप देखो उसने ना कुछ ये क्या सिरका डाला है, उसके बाद ये चटनी मिर्चों वाली डाली है, टमाटर वाली भी डाली है, लहसुन वाली भी डाली है, ठीक है। और भी इधर रखो इसको, चम्मच और भी दो हमको, पर ये चेक करें चीज बन के आ गई है। हम तो खाते हैं भाई, खाएं फिर बिस्मिल्लाह करेंगे। बेहतरीन चीज है नाजरीन, उसके साथ वो थोड़ी नाली की स्मेल भी आ रही है, तो वो टेस्ट और ज्यादा बेहतरीन हो गया है। कसाई का दुकान है। अच्छा अच्छा, कसाई का दुकान। चलो कोई, मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं। कमाल की चीज है नाजरीन, कमाल। आप सबसे कमाल की चीज देखें नाजरीन, के अभी हम उनको पैसे देने लगे, वो ले भी नहीं रहे, बड़े जबरदस्ती दिए। आप पैसे क्यों नहीं ले रहे थे यार? मेहमान आए हैं। मेहमान, वो बात तो ठीक है, लेकिन आप भी हमारे भाई हैं यार, ऐसे बात नहीं होती। हम मेहमान ही, हम भाई हैं। कितनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं यार, कौम देखो। अफगान कल्चर में चाहे पख्तून हो, हजारा हो, उज़्बक हो, ताजिक, जितनी भी कौम है, सब में आपको एक चीज ये मेहमान नवाजी वाली बड़ी जबरदस्त मिली। नो डाउट। और फिर पख्तून में बहुत है। नो डाउट, नो डाउट, पख्तून में फिर ज्यादा है। खैर, ये भाई, इन भाइयों ने भी अपना स्टैंडर्ड लो कर लिया है। पहले आसमान पे चढ़े हुए थे कि मैं नहीं खा रहा, जैसे कैमरा बंद हुआ है फर्म खाने लग गए। तो खैर नाजरीन, जो बात है ना, चलो खत्म करो, शुरू हो जाए। बहुत अब बहाना आ गया ना, कैमरा ऑन है, मैं सिर्फ चेक कर रहा। अच्छा अच्छा, तो खैर नाजरीन, वाकई ये जाती तौर पर मेरा तजर्बा है कि ये लोग बहुत मेहमान नवाज है, नो डाउट करते हैं। ये सलाद, ये नाजरीन ये सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते क्या, क्या चीज है? तरातीजक। ये तरातीजक नाम की कोई सब्जी है, इसको सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये अलग सेक्शन है, देखिए सारा सैलेड है। आप देखिए, ये बंद गोभी हो गया, ये हो गया सैलेड, ये पुदीना हो गया, ये हो गया जनाब मूली हो गई, और ये साग है, ये साग भी सैलेड में खाते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यार लोग अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज नहीं करते, अपने नहीं खाने करते। पे कंप्रोमाइज नहीं करते, तो कहना गलत नहीं होगा। यहाँ के लोग जो है, ठीक है गोश्त भी खाते हैं, लेकिन जब बैठते हैं ना तो अलग से थाल में ना ये सैलेड जरूर होते हैं। बात कर, मैं भी इनके गया हूँ ना वो दावतों पे, तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, एक थाली अलग आती है। एक चीज ये और भी बड़ा लाइक करते हैं, ये देखें नारंज। अच्छा, ये लोग जो इसका वो रस है ना, वो खाने में जरूर खाने में ऊपर, वो ऊपर डाल के खाते हैं। सही, जबरदस्त जबरदस्त। बड़ा फिट आलू है ये, यहाँ का आलू है। मैं एक दो बार में लेके भी गया हूँ साथ। अच्छा, पर आज भी क्या बोलते हैं इसको, ये कह रहे हैं कि ये जो सब्जियां है ना, ये पाकिस्तान से आती हैं। अच्छा, ज्यादातर सब्जियां आती पाकिस्तान से। देखे लोग भी माशाल्लाह इकट्ठे हो जाते हैं, जा भी जाते हैं, एक दो लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना भाई, इसलिए। खैर शुक्रिया भाई जान, बहुत मेहरबानी। ये हमारे भाई हैं जी अफगानी, जिनके इनके भाई की शादी थी फैसल भाई, तो ये उनका घर है यार। ये तो क्या, ये पाकिस्तान के वादे हैं भाई।
ये ठीक है भाई, ये सही था, जुगाड़ लगा रहे ना आप क्या करें। ये देखे भाई, पाकिस्तानियों की तरफ से अफगानी भाइयों के लिए मोहब्बत को मजीद बढ़ाने के लिए, मोहब्बत को फरोग देने के लिए बाकायदा हार पहनाने लगे। ये शरीफुल्लाह भाई है। अच्छा माशाल्लाह, ये रिसेंटली शादी हुई है माशाल्लाह जी, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल किया है माशाल्लाह जी, और बाकी जो है अल्लाह सुभान व तआला आपकी नई जिंदगी में है। जैसे हमारे पाकिस्तान में शादी होती है कि शादी होने के बाद चेहरा उड़ा होता है, और सेम वही चीज मुझे अफगानिस्तान में भी देखने को मिली है। अच्छा अब इसकी बारी है, नहीं ये तो भाई बहुत खुश नजर आ रहे हैं, शादी से पहले सारे खुश ही होते हैं। चले बैठे तशरीफ ले लाएं, बैठे। काफी मेहमान नवाज लोग हैं जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया, मसला नहीं बेफिक्र बेगम। हुजरे का ये सिस्टम है। अच्छा, कि इसमें चारपाई नहीं होती हुजरे में, इसमें ये रजाइयां होती हैं, ठीक है, तकिए होते हैं, कंबल इन्होंने, हाँ ठीक है। ये खैर नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हमें कंबल दे दी गई है, और इसके नीचे वो गदेले टाइप सीन होता है बैठने का। खैर मैं ठीक था, उधर लेके जा रहे हैं, चले मोहब्बत इनकी देख रहे, बोलते हैं कि उधर आके बैठे, चले सही है। वो केपीके वाली साइड पे भी गया हूँ, तो वहाँ पे भी यही चीज आपको इनके हुजरे में देखने को मिलती है, और यहाँ पे भी अफगानिस्तान में भी सेम वही चीज है। कहा जाए कि ये लोग, ये कौम ज्यादा ट्रेडिशनल है एज कम्पेयर टू अस, बिल्कुल कैसे, ये गलत नहीं होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत मेहमान नवाज, मेहमान नवाजी में पश्तून या पठान कौम को कोई पहुंच ही नहीं सका सारी दुनिया, ये हकीकत, ये मेरा जाती तजुर्बा है। और खैर बहुत अच्छे लोग हैं नाजरीन, मैं जब भी यहाँ पे आया हूँ ना, आप खुद देख रहे हैं कि वो कैसे हमें ट्रीट कर रहे हैं, कितने प्यार और मोहब्बत से। जरूरी नहीं होता कि एक ट्रीट में बंदा पता नहीं आपके ऊपर फूल की पत्तियां बरसाए लेकिन उसका मूड ठीक ना हो तो वो एक अच्छी वाइब भी नहीं आती, लेकिन अगर एक बंदा चेहरे से मुस्कुरा के ऐसे मिल रहा है ना। अच्छा माशाल्लाह पंशेर से हैं, पशीर 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 बुरापुर जो है ये बहुत बड़ा मजाक है, वहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हुई हैं तोरा बोरा में, लेकिन दुल्हे भाई का माशाल्लाह चेहरा जो है ना चमक रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अच्छा 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 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर नाज़रीन, जो दुल्हे भाई हैं वो हमारे कंबल में आ चुके हैं हमारे साथ इस टाइम, वैसे हम इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आधी रात का टाइम और अपने पास बिठाया हुआ है। खैर चलो, खैर दोस्तों में यही कुछ होता है। अच्छा भाई बता रहे कि हमारे यहाँ कुछ एक रिवाज करके कुछ है, अब रिवाज क्या है कि जब दूल्हा होता है वो हाथ पैर ऐसे सुई लगा लेते हैं, इशारा ज्यादा नहीं करूँगा बस सब बात आपको समझा देता हूँ, वो इशारा सुई लगा के ना तो दूल्हे को ऐसे मारते हैं, मतलब जब वो बारात में चल रहा होता है उसको तो पीछे से ऐसे वो चोबा लगाते हैं, सुई का टीका लगाते हैं। तो खैर वो दूल्हा बता रहा है कि मुझे डर लग रहा है यार तुम्हारी कंबल में आने से, कहीं तुम ये कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं, हम ऐसे लोग नहीं। मैं आपको फर्क बता देता हूँ हमारा और अफगानिस्तान की शादी का, भाई के 2-3 दिन शादी के हुए और माशाल्लाह वो ठीक ठाक वास्कुट पहन के ठीक ठाक सूट पहन रखा है, इस्त्री किए हुए कपड़े, बालों में तेल लगा हुआ है, नए नए नहाए हुए, और जो है ना पेंसिल भी उन्होंने ऐसे पॉकेट में लगा रखी है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ मुख्तलिफ होता है भाई, क्या मुख्तलिफ होता है मैं बता देता हूँ। जब हमारे यहाँ शादी होती है ना नाजरीन, शादी होने के बाद दूल्हे का पता है क्या हाल होता है, ये वो फलां का बर्तन था वो गुम हो गया, फलां की देचकी थी वो गुम हो गई, फलां की वो दिगे देनी थी तंबू वाले आए हुए भाई, फलां के मेहमान को छोड़ना है, ये करना है वो करना है, भाई दूल्हे का कुछ हाल खराब होता है यार, मतलब हालत खराब होती है, दूल्हे को पैसे देने, कराकरी वाले को पैसे, वो सारा वो जितने वो इंतजामी होते वो दरवाजे पे खड़ी होती है, बिठा के कह रहा अभी हिसाब किताब करो। हाँ जी हाँ जी ठीक है, तो ये सीन चल रहा होता है और अंदर से वो करे तो न्योंदरा थोड़ा पे आप उतर, दूल्हे को वो भी टेंशन होती है कि मैंने इंतजाम तो खुला करवा दिया, लेकिन यहाँ पे वो कितने रिलैक्स होके बैठे हुए हैं, मतलब जिंदगी के अगर मामला को कम किया जाए तो सुकून ज्यादा होता है। शादी गुनाहों से बंदा बच जाता है, तो कह रहे कि हर किसी को ये जो है ये दिन नसीब हो, आमीन, जैसे मुझे वो अल्लाह आपको करे जी। वैसे भी जो है ना चार चार करनी चाहिए, और आपके यहाँ तो माशाल्लाह चार बेगम का ट्रेंड है ना, अब और कितने, 3 और करनी है आपने, सबर भी नहीं करूंगा। अच्छा करने में, तो पहले वाली मान जाएगी, पूछो उससे लंबे वाले बाल, दगशी, नजाशी,
सवाल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पाँव पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मतलब स्वीकार नहीं की हमारी नहीं चलती, हमारे यहाँ बेबी के सामने नहीं चलती थी जरूरत। खैर सड़े पर तो वक्त सर, अगर इसकी जरूरत भी पड़े तो हम पाँव पड़ जाते हैं, ट्रेंड चार का पूरा करें। अच्छा चलो, अल्लाह आपको तौफीक दे, हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है, हमेशा। आप कब कर रहे हैं दूसरी शादी माशाल्लाह? दूसरी शादी इतना खतरनाक सवाल क्यों पूछते हैं ये बंदे? खैर बता रहे भाई कि इनकी शादी में तकरीबन 11 लाख खर्चा आया है पाकिस्तानी, जो कि इन्होंने कभी नॉर्मल शादी किया हाई लेवल की या वो उस टाइप की तो की नहीं। इनका ये ट्रेंड है कि जैसे दहेज वगैरह है वो सारा कुछ, हाँ वो सारा कुछ लड़के वाले अरेंज करेंगे, यहाँ तक के बारात को खाना लड़की वाले नहीं बल्कि लड़के वाले देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब सब सारा बोझ लड़के वाले ही उठाते हैं, जो है लड़की वाले सिर्फ आपको लड़की हवाले, वो सिर्फ लड़की देते हैं। और मैं समझू तो ये कुछ बेहतर भी है, हाँ लड़के के लिए थोड़ी मुश्किल है लेकिन लड़की वाले के लिए आसानी है, पैसे भी लेते हैं। उल्टा लड़के वाले लड़के से पैसे लेते भी लेते हैं इनसे, लिए गए हाँ, पैसे लेते हैं लेकिन लड़की का जो मतलब जो चीज कपड़े हो गए बाकी चीजें हो गई ये खरीदते हैं उस पे। लड़का पैसे देता है वो लड़की के घर वाले नहीं खाते हैं बल्कि वो अपनी बेटी के लिए यानी जो उनकी दुल्हन है उसके लिए कपड़े वगैरह लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। इनसे ये जरा पूछे कि क्या ये शादी करके मुतमईन है, खुश है या पहले वाली जिंदगी इनको ठीक लग रही थी? वादा नफस खुशहाल है ना, वादा मख की जिंदगी खबर अल्हम्दुलिल्लाह उस खुशहाल है मडेर, अभी मैं बहुत खुश हूँ, पहले से भी ज्यादा खुश था, थोड़ी खुशी कम होगी। तो मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो भाई शादी करके काफी मुतमईन है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, जैसे हमारे यहाँ शादियों में खुसरे वगैरह डांस वगैरह ये होता है, नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, कंजरियां खुसरे नहीं नचाए जाते, कुछ भी नहीं है। पूछ लेना आप घड़ी के दिल तस्वीर साहब, दिल ताको उदास है नश्ता, अल्हम्दुलिल्लाह देते बानी बस शुक्र बस, थोड़ी सी जो है वो घर में घर के अंदर थोड़ी सी म्यूजिक भी अगर आप घर के अंदर लगाते तो वो भी यहाँ पे मना है ना, मना है, लेकिन फिर भी लगा लिया कुछ थोड़ी सी स्लो आवाज में। वो हमारे यहाँ तो ऐसे होता है कि दो दो एकड़ जमीन बेच के खुसरे नचाए जाते और सारी उम्र कर्जा उतारा जाता है उसका। बिल्कुल ऐसा ही है, इनसे कुछ सीखना चाहिए, मैं तो यही मशवरा दूंगा, सुन्नत के मुताबिक करनी चाहिए, बिल्कुल जिस तरह जायज है उस तरह करनी चाहिए रिवाज इनके यहाँ। एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि खुद बर्तन उठा के ले आना और मेहमानों के हाथ धुलवाना, ये इधर है। माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, खाने का दस्तरखान बिछाते हैं ना जी, दस्तरखान के अंदर ही रोटियां रखी फोल्ड की होती है, ताकि उसकी उसका फायदा ये है कि वो ठंडी ना हो। टर्किश रोटी है ठीक है, सबके सामने एक एक रखी जाएगी ठीक है। ये जो है सैलेड आ गया नाज़रीन, आप चेक करें माशाल्लाह कितना बेहतरीन है, ये राइस आ गए इनके जबरदस्त जबरदस्त जिंदा बश, ये आलू की सब्जी है उसके साथ ये चिकन वगैरह सैलेड है और सैलेड में मूलियाँ खीरे और टमाटर वगैरह भी आ गया। खाना हमने खा लिया, खाना खाने के बाद जो कोक भी आ गई थी, कोक के साथ फ्रूट आ गया। अब मेहमान नवाजी का अंदाज़ इस बात से लगा ले, कैसा लगा? खाना बड़ा जबरदस्त था। कुछ मेहमान जो है अभी जा रहे हैं लेकिन हम फिलहाल बैठे हुए हैं, खाना वगैरह हमने खा लिया है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इनका जो मिलाप है वो जो ईरान में था रवायती मिलाप, वो जो एक ट्रेंड चला था हमारा, खैर छोड़ो उस बात को, तो मतलब जब ये मिलते हैं हम तो जब भी डालते ना दोनों ऐसे ये बगलों के नीचे से दोनों हाथ और कस के ऐसे खींच के गले मिले, तो यहाँ पे थोड़ा मुख्तलिफ है ना, यहाँ पे सिर्फ रवायती तरह बस ऐसे इतना हाथ मिलाना है बस ऐसे करके बस ऐसे सलाम दे देना, जब जल्दी में होते हैं ना तो इस तरह करते हैं जान छुड़वाते करके, लेकिन हम तो जल्दी है काली जो मर्जी है बस ये तो करना ही करना है पूरा। अच्छा पूरा ये मुझे कह रहे कि आप ज्यादा ज्यादा खाना खाएं कि आप मोटे हो जाएं। हाँ सही बात है ठीक है, मैंने उसको कहा कि आप कह रहे मैं तो बाबा हूँ बात तो सही की अभी यहाँ से रक्षे में पेट्रोल डलवाने लगे हैं जी, आपको बताते हैं कि पेट्रोल की प्राइस क्या है, यहाँ जरा पेट्रोल की प्राइस चेक कीजिएगा, 70 71 77 70। हाँ ये पेट्रोल तीन किस्म का है ठीक है, तो आज 70 पेट्रोल तीन टाइप का, एक 70 एक 71 है और एक 73 है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये पीक आर में आ जाएगा पाकिस्तानी रुपए में, पीक आर में। अब बताओ तालिबान ने क्या कहा तुम्हें जब मैं वॉशरूम गया, कमरे में वॉशरूम में गए ना तो वो लोग सामने बैठे हुए थे तो कह रहे थे कि
यार इसकी हिम्मत को सलाम है, इतना दूर से आके इधर ख्वार होके वीडियो बनाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, सलाम करता हूँ इनको। क्या बात, ये तालिबान ने बात की। हाँ नाजरीन देखें यार, इतनी मुश्किल से ब्लॉग बनते हैं कि तालिबान वाले मान गए हैं कि हमने 40 साल जंग लड़ी, ये बंदा इधर आके वीडियो बना रहा है हमारी, और आप फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मतलब ये इसके बदले में कहना बनता नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आपका रीदो यार, और क्या कर सकते हैं, मुझे पता है मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ।